चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, दिल दहशत में है, दिमाग टेंशन में है। इसकी वजह है ट्विन टावर के डिमोलिशन का काउंटडाउन। जैसे जैसे 28 तारीख नजदीक आ रही है, ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोगों की घबराहट बढ़ती जा रही है। 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो रहा है। आपसे ठीक सकती हुई जो सोसाइटी है ट्विन टावर्स, विस्फोटक से उड़ाई जाएगी। एक 32 मीटर ऊंचा इमारत है, एक 29 मीटर। आप लोगों को इस बारे में क्या क्या कहा गया है? हम लोगों को यहाँ से जाने के लिए ही कहा गया कि यहाँ उस दिन कोई रह नहीं सकता। उसके बाद इवनिंग में भी जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक हम आ नहीं सकते। नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर के बगल में एमराल्ड सोसाइटी के एस्टर 5 टावर में रहने वाली मोनिका अकेली नहीं है जो 28 अगस्त को लेकर चिंतित है। एमराल्ड सोसाइटी ट्विन टावर से बिल्कुल सटी हुई है। यहाँ रहने वाले हर परिवार के दिल में दहशत है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए किस तरीके से ट्विन टावर को ब्लास्ट के बाद धूल ना उड़े उसके लिए पूरा सफ़ेद इस कवर से ढक दिया गया है, सारे घरों को ढक दिया गया है। और उसके बाद ये जो एस्टर 2 में खासतौर से लोग रहते हैं, इन फ्लैट्स को इस तरीके के जालीदार कपड़ों से ढका गया है। इसके ठीक बाहर सफ़ेद कपड़ा लगाया गया और यहाँ पर एक हरे रंग का कपड़ा लगाया गया है। ये सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं ताकि धूल उड़ करके घरों के अंदर ना आए। लेकिन इस घर के जो मालिक हैं, इस घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके दिमाग में क्या आया, किस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं? दिक्कत तो बहुत कुछ हो सकती है। लगता है कोई दीवार क्रैक हो जाए या क्रॉकरी टूट जाए या कुछ बड़ा ब्लास्ट हो जाए घर के अंदर। समझ नहीं आएगा क्या होगा, क्या समेटें, क्या रखें, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जान बचेगी, सामान जाएगा, क्या होगा नहीं पता कुछ भी। लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सामान लेकर जाएं, क्या छोड़ कर जाएं? ट्विन टावर के पास इन सोसाइटीज में रहने वाले परिवारों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये लोग अपने साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, ज्वेलरी और कुछ जरूरी सामान लेकर अपने इन घरों को चंद समय के लिए छोड़कर जाएंगे। पास में रहने वाले इन लोगों की चिंता ये भी है कि जब वो लौट कर अपने घरों में आएंगे तो उनका घर और उनके सामान सलामत रहे। कुछ परिवार तो हाल ही में एमराल्ड सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं, वो भी बहुत चिंतित हैं। किस तरीके का कुछ डर लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि घर खाली करके उस दिन जाना पड़ेगा सुबह से शाम तक? डर भी लग रहा है, एंग्जाइटी भी हो रही है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि ये पता नहीं, हालांकि उनकी भी कोशिश यही है और हमारी कोशिश भी है कि कोई नुकसान कम से कम हो। होने का तो चांस पूरा है, चूंकि सबसे नज़दीक यही फ्लोर है, तो उसमें जो है कि कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा ये तो उसके बाद ही पता लगेगा। हम लोगों ने कोशिश अपनी यही करी है कि जो अपना कीमती सामान है, जो दूसरी चीज़ें हैं, उनको सेफ जगह पहुंचा दिया जाए। नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी एडिफिस कंपनी को दी गई है। एडिफिस कंपनी के CEO उत्कर्ष मेहता का दावा है कि सब कुछ सही तरीके से संपन्न होगा, आसपास रहने वाले लोगों को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद वहाँ जाके खड़ा रह सकता हूँ, ये जस्ट अपने लॉज अलाउ नहीं करेंगे, वरना हम इतने कॉन्फिडेंट है कि बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ ग्लासेस टूट सकते हैं, बिकॉज जो हवा का प्रेशर आएगा जब इस नीचे बिल्डिंग आएगी उससे वो टूट सकते हैं ग्लासेस, बट उसके लिए भी हमने हमारी टीम रेडी रखी है। कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी बोर्ड पे है, शाम को 6 बजे के बाद अगर कोई ग्लासेस टूटे इमीडिएटली वो रिपेयरिंग होना चालू हो जाएगी। कितने बजे के बाद लोगों की एंट्री शुरू हो जाएगी? तकरीबन 5 बजे वी एक्सपेक्ट द रेसिडेंट्स विल बी एबल टू कम इन। 28 अगस्त की सुबह 7 बजे सोसाइटी के लोग अपने घर खाली कर देंगे। इसके बाद सोसाइटी में बिजली, पानी और लिफ्ट को भी बंद कर दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्त करने के कुछ घंटों बाद RWA, मेंटेनेंस विंग और पुलिस का स्टाफ सोसाइटी पे हर चीज को चेक करने के बाद ही लोगों को उनके घरों में वापस आने की परमिशन देगा। 7 बजे खाली होगा, उसके बाद सब सर्विसेज को क्लोज डाउन करना है, उसमें 2-3 घंटे लगेंगे। लिफ्टें, पानी, बिजली सब बंद करना है हमें, वो सिक्योरिटी को भी फाइल एंड चेक होना भी, कोई रहना जाए अंदर तो वो, ये सारा जो हमें लग रहा है कि सारा कार्यक्रम 12 बजे तक क्लोज डाउन मोड में आ जाता है। उसके बाद हम इसको नो मैन लैंड घोषित कर देंगे। पुलिस डिपार्टमेंट विल आल्सो कम, वो भी वेरीफाई करता है बाई चांस कोई आदमी यहाँ ना रह जाए। 12 बजे हम लोग यहाँ से सब निकल जाएंगे, तो फिर क्लोज मोनिटरिंग होकर 2:30 बजे का इनका टाइम है ब्लास्टिंग का। 2:30 बजे के बाद जो भी होगा उसके बाद ये लोग CBR है एंड दिस पीपल विल फर्स्ट इंस्पेक्ट, वो क्लीयरेंस देंगे हमें। उसके बाद हम जब सब सर्विसेज को एक बार पूरा मियाना करेंगे, यहाँ पर आधा एक घंटा लगेगा उसमें कि हमारी सब कोई चीज़ नुकसान तो नहीं हमारा। उसके बाद हम लोग सब सर्विस को एक एक करके रिस्टोर करेंगे। 25 अगस्त तक ट्विन टावर को गिराए जाने का मॉक ड्रिल चलेगा।
सभी लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा टावर डिमोलिशन कुशलता और शांति से संपन्न हो जाए।